नमस्कार, दैनिक शिवचाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी इच्छुक हैं कि घाटी में जाना चाहते हैं, इस मौसम में उस जन्नत का मज़ा लेना चाहते हैं, जो जिसके चर्चे दूर दराज तक यानी विदेशों में भी है, बात करें हम घाटी की यानी कश्मीर की, कश्मीर लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट है। जाने से पहले अब आपको ऐसे अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि आपको लेना होगा एक खास सर्टिफिकेट। क्या पूरी जानकारी है वो आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे, पर जनता से निवेदन करेंगे, इसमें कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी इच्छुक हैं कश्मीर जाने के, उन तक ये जानकारी पहुँचे और ये सर्टिफिकेट आप ज़रूर लें। कश्मीर स्पेशल विजिटिंग सर्टिफिकेट, अगर आप भी जन्नत की सैर करना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने कश्मीर की कुछ खास जगहों पर जाने के लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट के लिए कहा है। यानी यही नहीं बना, बल्कि ये भी है कि बिना प्रमाण पत्र के इन जगहों पर जाना वर्जित है, यानी प्रतिबंध लगा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के सटे कुछ यानी कि इलाकों में घुसपैठ देखने को मिल रही है, जिसके चलते सरकार ने इन स्थानों पर जाने के लिए कश्मीर स्पेशल विजिटिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा है। साथ ही बिना सर्टिफिकेट के जाना प्रतिबंध है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि कश्मीर में कुछ स्थान ऐसे हैं जो सीमा रेखा से के बिल्कुल पास हैं, यहाँ खूबसूरत वादी हैं, इसलिए कश्मीर जाने वाले सैलानी यहाँ ज़रूर जाते हैं और इस मौसम का, इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में लगातार दुश्मन घुसपैठ जो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार ने कश्मीर की कुछ जगह ऐसी चिन्हित यानी कि निशानदेही की है, जहाँ जाने से यानी कि पहले कश्मीर स्पेशल विजिटिंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है। यह फैसला घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से ही लिया गया है। आइए जानते हैं कि यह सर्टिफिकेट कैसे और कहां बनेगा, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगा। इन जगहों पे जाने से पहले प्रमाण पत्र जरूरी है। जानकारी के मुताबिक निरंतर रेखा से सटे हुए कुपवाड़ा जिला के कुछ स्थान है, जहां बिना सर्टिफिकेट के जाना प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया गया। इनमें केरन और साथ ही साथ करना स्थान मुख्य हैं, जहां घुसपैठ होती है। यदि सैलानी वहां जाना चाहते हैं तो उनके पास पुलिस स्टेशन के जारी किया गया पुलिस सत्यापन यानी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यानी कि फर्कियां या साधना टॉप की और जाने के लिए इस पुलिस प्रमाण पत्र की क्रालपोरा पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। ऐसे बनेगा सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्यटक यानी कि कोई भी ये कहेंगे सैलानी या पर्यटक कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में घूमना जाना चाहता है, विजिटर कोई भी, तो ऐसे पर्यटकों को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लेना होगा। आधार कार्ड व पहचान पत्र देने के बाद आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को शॉर्ट में अगर बात करें तो PVC यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जानकारी उन सब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के अलावा और जनता जो बाहरी राज्यों से जनता यहाँ पर आती है, जो टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ पर लोग घूमने के लिए विजिटर्स आते हैं, उनके लिए है कि खास कुछ जगह जो है उन्हें चिन्हित किया गया है। और वहाँ पर इन जगहों को चिन्हित करने का मतलब यह है कि इन जगहों पर जो सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए हैं, ताकि जो भी सैलानी यानी विजिटर्स या टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनकी जान पर जोखिम ना हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब कश्मीर जाने वाले के लिए बड़ा अपडेट है। आपको अब पुलिस यानी PVC पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। कश्मीर स्पेशल विजिटिंग जो सर्टिफिकेट होगा कि अगर आप इस एरिया में जा रहे हैं, कुछ एरियों को चिन्हित कर वहाँ पर यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बिना इस सर्टिफिकेट के उस एरिया में आप दाखिल नहीं हो सकते। अगर जो भी कोई इस यानी कि आदेश का वायलेशन करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जहां भी आप जाएंगे, आपके जो वहां के पास के पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी होगी, वहां पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपके पास अगर अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड है, उसके आधार पर जो कि आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा, ये जरूर कहेंगे, ये सर्टिफिकेट आपको जब उपलब्ध हो गया, उसके बाद ही आप उन
जगहों पर जा सकते हैं जो जिन जगहों को ये यानी कि चिन्हित किया है। और ये बता दें निरंतर रेखा के सटे हुए कुपवाड़ा ज़िला के कुछ जो स्थान है जहाँ पर इन जगहों को जो कि प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें आता है केरन और करना स्थान है जहाँ घुसपैठ होती है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर बताना चाहेंगे आपको कि जो कि कुपवाड़ा ज़िला के कुछ इलाके हैं, लगातार आपने देखा पिछले दिनों ऐसे इलाकों पर जो कि घुसपैठ होती थी और जिस पर कहीं ना कहीं लोगों को जो सैलानी आते थे या टूरिस्ट आते थे उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। इसीलिए सैलानियों की टूरिस्ट की जान को जोखिम में ना डालते हुए ये इस तरह का जो एक नया अपडेट आया है जो आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं लोग चाहे पत्नीटॉप की बात करें या घाटी की बात करें, पर इस बार अगर बात करें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने भी घाटी में अपना प्रचंड रूप दिखाया, पर उसके बाद भी लोग जो कुछ ऐसी पर्यटक स्थल है जहाँ पर जाते हैं उन हसीन वादियों का, उन खूबसूरत वादियों का जिसे जन्नत कहा जाता है नज़ारा लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं अपने परिवार के साथ। पर वहीं पर अगर बात करें तो सुरक्षा सबसे पहले है, जान है तो जहान है। तो इसीलिए ऐसी जो कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर जाकर ये लोगों को एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा जो लेकर आप उन जगहों पर जाएंगे, अन्यथा आपको नहीं जाना होगा। वहाँ पर प्रतिबंध लगा है और अगर आप कोई विवालेशन करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई के दायरे में भी आना पड़ेगा। ज़रूर आपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी हर एक हमारे जितने भी फॉलोअर हैं खासकर जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुँचे, ताकि वो ये गलती ना करें कहीं उन्हें आने वाले समय में कानूनी शिकंजे में ना आना पड़े। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।